नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं पत्रिका मंच, एक ऐसा मंच जिसमें हम आपको मिलवाते हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रही हस्तियों से। तो आज पत्रिका मंच में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं साहित्यकार विनोद विट्ठल से। विनोद से बात की मेरे सहयोगी चांद मोहम्मद ने। आपको बता दें कि विनोद विट्ठल को हाल ही में राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित किए गए पंडित झाबरमल स्मृति सम्मान समारोह में सृजनात्मक साहित्य के तहत कविता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता सीख के लिए दिया गया। मूलतः जोधपुर निवासी विनोद की अब तक आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वह इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में JSW एनर्जी के कॉरपोरेट अफेयर्स विभाग में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। हम लोग में प्रकाशित उनकी कविता सीख स्मृति के औजार से सर्वकालिक नैतिकता और मानवीय मूल्यों को बचाने की कोशिश करती है। स्मृति के सुराग से हरियाला जीवन दिखाती है उनकी यह कविता। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं इस बातचीत की ओर। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में है युवा कवि विनोद विट्ठल। विनोद विट्ठल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। इनकी अब तक आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। विनोद विट्ठल को हाल ही में राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार मिला है। इनकी कविता सीख पहले पुरस्कार के रूप में चयनित हुई है। आज हम विनोद विट्ठल से बात करेंगे इनके लेखन के बारे में, इनकी पुरस्कृत कविता के बारे में, साथ ही साहित्य से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आपको कि आपकी कविता जो है सी राजस्थान पत्रिका के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत पहली रचना के रूप में पुरस्कृत हुई है। जी, शुरुआत हम आपकी कविता इससे करना चाहेंगे। वो क्या था ऐसा कविता में और क्या मैसेज आपने इसमें ऐसा दिया कि कई कविताओं के बीच में आपकी कविता ने एक खास जगह बनाई? देखिए चांद मोहम्मद जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका को बधाई देता हूँ जो साहित्य को इतनी प्रोमिनेंस के बीच अपने पाठकों तक पहुँचा रही है। आमतौर पर यह माना गया था पिछले दशक से पहले तक अगर हम बात करें तो साहित्य जो है वो अखबारों में एक कोने की चीज़ हुआ करता था, लेकिन इधर मैं देखता हूँ कि राजस्थान पत्रिका सालाना जलसा करती है और उसमें भी इस तरह की कविताओं को, कहानियों को चयनित करती है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक अखबार किस तरह से अपने दौर के अदब से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक जायज़ कोशिश भी है कि एक अखबार ये मानता है कि पाठक के भीतर का जो विवेक है वो खबरों के परे जाकर भी जागृत होता है, और कहीं ना कहीं साहित्य या शब्द जो हम कहें तो वो भी पाठक के विवेक को जागृत करने का काम करते हैं। और रही बात चांद सर जो कविता बता रहे हैं सीख, दरअसल जो मुझे लगता है कवि के तौर पे, मुझे नहीं पता कि आपके निर्णायक मंडल की टिप्पणी उस पर क्या रही होगी, लेकिन कवि के तौर पर ये लगता है कि कविता में आम फहम रेफरेंसेस होने चाहिए। जैसे उसमें मैंने बाऊजी का जिक्र किया है, माँ का जिक्र किया है, अकेले रहने का एक प्रतीक मैंने एल्बम के साथ जोड़ा है, अकेले रहने जो है उसको दूसरे तरीके से देखा है तो वो बिजली के रेडियो से जोड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ख़ास तौर से स्मृतियाँ जो हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं, वे प्रतीक जो हमारी ज़िंदगी में थे और जो अब नहीं बचे, उन प्रतीकों के सहारे कोई सीख देने की कोशिश कि हमें कौन सी चीज़ें किससे देखकर सीखी जा सकती है। और मुझे लगता है कि साहित्य अपने मूल अर्थ में अगर उस विवेक को बचा पाए या बना पाए जिसमें हम सीख लर्निंग, उस लर्निंग की प्रोसेस को डिकोड कर पाए और ये बता पाए कि आपके लर्निंग के सोर्सेज ये होंगे, तो मुझे लगता है कि सीख कविता ही नहीं बल्कि पूरा साहित्य जो है वो मुकम्मल होता है। जी, इसी कविता की बात करें तो क्या ये आपने जैसा बताया ये कह सकते हैं कि सीख कविता में जो आपने जिस तरह का सब्जेक्ट उठाया है वो आम आदमी की जुबान बनने की कोशिश आपकी ये कविता? बिल्कुल, मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि साहित्य अगर सर्वहारा तक अपनी भाषा, अपने विचार, अपने विन्यास के जरिए नहीं पहुँचता है तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसमें बड़े छोटे छोटे प्रतीक मैंने काम में लिए और ये बताने की कोशिश की है कि अगर तुम्हें प्यार करना कोई नहीं सिखाएगा, केवल किसी दिन अकेले में चांद देखना, यानी वो एक ऐसी ट्रेडिशन से भी कभी उस चीज़ को जोड़ता है कि जो हमारी शाश्वत नैतिकता है, जो मनुष्य की एक शाश्वत ज़रूरतें हैं, उनको वो अगली जनरेशन या अगली पीढ़ी तक किस तरह से पहुंचाता है, ये सब बताने की कोशिश है। मैं चाहूँगा इस मौके पे उस कविता को एक बार फिर से आप पढ़ूँ, मैं सुनाएं। जी ज़रूर। कविता है सीख। जी, सादगी मैं तुम्हें बाबूजी से सिखाऊंगा।
माँ तुम्हें होना और बजना सिखा सकती है। धैर्य के लिए पहाड़ के बजाय घर के कबाड़ में पड़े पियानो के पास ले जाऊंगा, जो अब भी सोचता है मैं किसी दिन जरूर सुना जाऊंगा। अकेलेपन से लड़ना तुम्हें बिजली का रेडियो सिखा सकता है। अकेलेपन से लड़ना तुम्हें बिजली का रेडियो सिखा सकता है। और अकेले रहना एल्बम। कौन कहता है तुम्हें प्यार करना कोई नहीं सिखाएगा, केवल किसी दिन अकेले में चांद देखना। क्या बात, बहुत मतलब बहुत बड़ा मैसेज मैंने एक छोटी कविता के जरिए देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि इस समय हमारा सबसे बड़ा संकट जो है, जैसे माँ तुम्हें होना और बजना सिखा सकती है, ये लाइवनेस हमारी जिंदगी से गुम हो गई है। आज हम देखते हैं कि घर में 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं और 6 खाने की मेज पे बैठे हैं, लेकिन 6 के व्हाट्सएप चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कनेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं हमारी लाइवनेस है वो खत्म हुई है। तो एक कवि को मुझे लगता है कि जब वो अपनी बात कहे तो बहुत एक ग्रेटर रैशनलिटी के साथ कहनी चाहिए। जी, आपकी 2 किताबें कविताओं पे प्रकाशित हो चुकी है, उन 2 किताबों का जिक्र करें और कविताओं का जिक्र करें, तो किस तरह के सब्जेक्ट, किस तरह के मुद्दे आपने कविताओं में लिए हैं? जी देखिए चांद भाई, अगर आप लिखने की मात्रा की बात करें तो मैं बहुत कम लिखी है मैंने कविताएं, और छपी उससे भी कम है। 1993 में जब मैं 23 साल का था तो मेरी पहली पुस्तिका आई थी, भेड़, ऊन और आदमी की सर्दी का गणित। वो दिन हमारे कॉलेज से निकलने के दिन हुआ करते थे, और एक साम्यवाद, क्रांति, दुनिया को बदलने का सपना और जज्बा, ये सारी चीज़ें उस दौर में मेरी कविताओं में हुआ करती थी। और उसके बाद में ठीक आप देखिए 25 साल बाद में दूसरी हिंदी की कविता पुस्तिका आई और इसका शीर्षक है पृथ्वी पर देखी पाती। जो मुझे ये लगता है कि पहले दौर की कविताओं में एक 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 पोइटिक इम्पेशंस, एक काव्यात्मक अधीरता जो थी, ये कुछ बदल देने की चीज़, सिस्टम के प्रति बहुत गहरा आक्रोश, वहीं मुझे लगता है कि जब 25 साल बाद में मैं दूसरी कविता पुस्तिका लेकर आया तो मुझे लगता है कि उम्र के साथ, एक 23 की उम्र में आई, दूसरी 48 की उम्र में आई, तो मुझे लगता है कि 48 का जो ठहराव है वो मेरी इस दूसरी किताब में रही कविता की। और अब मैं शायद चीज़ों के प्रति रिएक्टिव होने के बजाय मैं रूट कॉज एनालिसिस करने लगा, और मुझे ये लगा कि दरअसल मेरे दौर के संकट क्या है, किस तरह से चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है, किस तरह से हम एक अल्टरनेटिव सिस्टम दुनिया को दे सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ शायद हम हमारे देखने का नज़रिया बदलता है, और हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जिंदगी में ऊपरी मंजिल पर जाकर किसी सैटेलाइट की तरह नीचे की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो उससे चीज़ें साफ भी दिखती है, और आपको ये भी लगता है कि मुझे बहुत रिएक्टिव होकर नहीं देखना है, देखना भी एक उत्सव की तरह हो जाता है, देखने में एक फेस्टिविटी आती है, और देखना इतना सचेत हो जाता है कि आपको ही लगता है कि मुझे केवल देखना बन नहीं है, मुझे संशोधन के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए, कुछ चीज़ें बचाने के लिए, स्मृति को साथ रखते हुए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए, यानी जो आपका लेखन है उसमें गंभीरता आती है। एक कवि होने के नाते आपको क्या लगता है कि कवि की जिम्मेदारी लेखन के रूप में किस तरह की है, और आज के जो कवि हैं उस जिम्मेदारी को किस तरह और किस रूप में निभा रहे हैं? देखिए मुझे ये लगता है कि कविता जो है, अब 48 साल की उम्र में मुझे ये तो लगने लगा है कि बहुत बड़ी क्रांति और ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, लेकिन कविता एक तरह का सामुदायिक बोध हमारे अंदर पैदा करती है, एक तरह का रेशनल जिसे आप कहते हैं, एक तरह का विवेक जो आप कहें, वो किसी भी सभ्यता में पैदा करती है। और मुझे लगता है कविता की सबसे बड़ी देन जो है वो यही है कि हम मनुष्यों के भीतर उस विवेक को जगा पाएं, जिस विवेक के चलते हम लोग हमारी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, जिस विवेक के चलते मुझे हमेशा इस बात का एतबार रहे कि ये दुनिया जितनी मेरी है उससे ज़्यादा आपकी भी है, और साझे सपनों की तरह जब हम दुनिया को, दुनिया के संसाधनों को, अच्छाइयों को जब बांटना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि कवि की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। जहाँ तक इस दौर के कवियों की बात है तो हालांकि इस तरह की जजमेंटल टिप्पणी देना शायद ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी के कवियों को अभी भी एक नए डिस्कोर्स की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से उनको जो उनकी एक कन्वेंशनल पोइट्री है उससे खुद को बचाकर आज के दौर के जो संकट है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एडिशन है, जिस तरह से डेटा हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है,
जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, जिस तरह से मार्केट फोर्सेस बढ़ रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है, जी, इन सब चीजों को मद्देनजर मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्य की भीतरी आवश्यकता है, उन सब के बरक्स अगर मनुष्य कवि जो है वो सोचे और लिखे तो मुझे लगता है वो ज्यादा जिम्मेदारी की बात होगी। लेकिन इधर मुझे लगता है कि हिंदी के कवियों से मेरी खासतौर से शिकायत है, क्योंकि मैं उसी भाषा में कविता लिखता हूँ, उन लोगों के पास में उतना बड़ा विजन अब नहीं है जी। वो उतनी गहराई से उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जिस गहराई से उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टाइम्स है उसे आप यूँ देखिए कि हम इस एक ऐसे दौर में हैं जहाँ बहुत सारे कैलेंडर हैं, एक ऐसे दौर में जहाँ बहुत सारे समय हैं पूरी दुनिया भर में, एक ऐसे समय में है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स समय है जी। मतलब एक तरफ आप देखिए बाबाओं का बाजार है, एक तरफ टेक्नोलॉजी है, एक तरफ साइंस और स्पेस में बहुत सारी चीजें हो रही है, दूसरी तरफ अभी भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, यानी हम एक ही दौर में बहुत सारे दौर में और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दौर में हम जी रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो कवि का देखना जो है वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कविता को रिएक्शन के बजाय कविता को एक संजीदा टिप्पणी या उस सुराग की तरह होना चाहिए जिसके भीतर से अगर देखें हम तो एक बहुत बेहतरीन और विवेकशील दुनिया हमें नजर आए जी जी। तो कविता की जिम्मेदारी मुझे लगता है ज्यादा बढ़ी हुई है जी जी। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद विनोद से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हमारे मेहमान हैं साहित्यकार विनोद विट्ठल। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस बातचीत की ओर। आपने पत्रकारिता भी की है, अंग्रेजी अखबार में आपने तकरीबन 15-17 साल तक काम किया, दूसरी तरफ ये भी आपने देखा है कि कई पत्रकार साहित्य में आए। मेरा ये सवाल यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहला तो ये कि आपका जो पत्रकारिता का अनुभव रहा वो किस तरह का रहा, दूसरा ये कि जो पत्रकार जो पहले पत्रकार थे और फिर उन्होंने साहित्य में लेखन किया जी, किस तरह की अच्छी भूमिका उनके साहित्य में रही, क्या कुछ नया वो कर पाए? देखिए चांद भाई, बहुत शानदार सवाल आपने कहा, और मैं तो अपनी कविताओं के लिए घोषित तौर पे कहता हूँ कि मेरी कविताएं जो हैं वो अनरिपोर्टेड दुनिया की चिट्ठियाँ हैं। आप देखिए कि आज व्हाट्सअप हम इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉग हम लिखने लग गए हैं, अभिव्यक्ति के बहुत सारे साधन हैं हमारे सामने, लेकिन उस सब के बावजूद सबसे ज़्यादा अनरिपोर्टेड समय में हम जी रहे हैं, जो मनुष्य के वास्तविक दुख हैं, मनुष्य के संघर्ष हैं, मनुष्य के आने वाले दिनों की आशंकाएं हैं, उन पर सबसे कम रिपोर्टिंग हो रही है। तो मुझे एज ए राइटर ये लगता है कि जो काम मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं कर पाया, जिन चीज़ों को मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया, या जिन मीडिया संस्थानों में मैंने नौकरी की वहाँ के प्रिंट फॉर्मेट में जो मैं नहीं कह पाया, वो शायद मैं कविता में कहने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, मैं ये बताऊँगा आपको कि वो ज़माना गया जब ये कहा गया कि पत्रकारों की भाषा घटिया होती है और पत्रकार कविता नहीं लिख सकते जी। मैं आपको एक बहुत बड़े उदाहरण के साथ में अपनी बात रखना चाहूँगा कि गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और वो उतने ही बढ़िया पत्रकार भी थे और उतने ही बढ़िया साहित्यकार भी थे। अगर हम हमारे देश में लौटते हैं तो अज्ञेय जी जो थे वो पत्रकार भी रहे और कवि भी रहे, रघुवीर साहब पत्रकार भी रहे और कवि भी रहे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पत्रकार भी रहे कवि भी रहे, उदय प्रकाश को आप देखिए, विष्णु खरे जी को देखिए, विष्णु नागर जी को देखिए, प्रेमवत को आप देखिए, जो एक पत्रकार के तौर पर भी बहुत शानदार जिनका काम है और उतना ही बढ़िया काम उनका साहित्य में भी है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ठीक है, कविता का भाषाई अनुशासन जो है वो थोड़ा बहुत साधने की जरूरत होती है, अन्यथा पत्रकार जो है वो मुझे ये लगता है, क्योंकि हमारा होराइजन बहुत बड़ा होता है, हम जिंदगी की बहुत सारी स्थितियों बहुत सारे तबकों से रूबरू होते रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी को देखने समझने और परखने की जो कुव्वत है वो एक पत्रकार के पास कवि से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी एक अपनी सोशल फिलॉसफी है और उस सोशल फिलॉसफी उस सामाजिक दर्शन को समाज के बहुत सारे वर्ग मिलकर विकसित करते हैं। तो मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि एक पत्रकार जब लिखता है तो वो ज्यादा बड़ी चीज होती है जी। राइटर्स किचन जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आपका क्या नजरिया है?
लेखक की वो रसोई जिसमें कच्चा मटेरियल होता है या यूं कहें कि जिसमें पकने का प्रोसेस होता है, और किस तरह वो रचना के रूप में बाहर आता है। बिल्कुल चांद जी, आप ये देखिए कि राइटर्स किचन की जब हम बात करते हैं तो मेरी जो राइटर्स किचन है उसमें सबसे पहली चीज़ होती है किताबें जो मैं पढ़ता हूँ, घनघोर पढ़ता हूँ। और मैं साहित्य के अलावा दूसरी चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को पढ़ता हूँ, मैं साइंस को पढ़ता हूँ, मैं एनवायरनमेंट को पढ़ता हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ता हूँ, मैं माइथोलॉजी को पढ़ता हूँ। मुझे ये लगता है कि एक राइटर को वो जितना पढ़ेगा, यानी किचन में जैसे नमक की तरह है अध्ययन, दूसरा मुझे सिनेमा भी बहुत हॉन्ट करता है। मैं हॉलीवुड की मूवीज़ देखता हूँ, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग देशों की सिनेमा को देखता हूँ, तो उनसे भी मुझे लगता है कि मेरी राइटर्स किचन में कुछ फिल्में हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ शॉर्ट मूवीज़ हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, मेरा भ्रमण है। और इन सब के अलावा मैं आजकल चूंकि YouTube का ज़माना है तो मैं भाषण भी बहुत सुनता हूँ, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनता हूँ, तो मेरी राइटर्स किचन में ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है मेरी राइटर्स किचन का स्मृति, मेमोरी। क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मैं मेरी स्मृति सृष्टि के पहले मनुष्य से, यानी 70,000 साल पुराने आदमी से लेके आज के आदमी तक चली जाती है। एक मनुष्य के तौर पर जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी है वो सारी स्मृति के तौर पर मेरे भीतर रहती है, और स्मृति जो है वो भी मेरी राइटर्स किचन का एक बड़ा हिस्सा है। और मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि एक लेखक को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे उस्ताद थे रघुनंदन त्रिवेदी, वो कहते थे कि एक लेखक के लिए आदर्श जो है वो वेदव्यास होने चाहिए, जो जिनके लिए, जिनके महाभारत के लिए कहा गया कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। यानी आपका हर लेखन इतना मुकम्मल हो, इतना परफेक्ट हो कि जैसे महाभारत के एक एक किरदार पे अगर आप जाएं, जैसे आप देखिए कि कर्ण के बारे में जब वेदव्यास लिखते हैं तब लगता है कि अब तो अर्जुन के लिए कुछ नहीं बचा होगा, लेकिन जब अर्जुन पे लिखते हैं तब ये लगता है कि अरे कर्ण तो कुछ नहीं था, अर्जुन बड़ा है। जब अर्जुन पे हो रही है और जब वो युधिष्ठिर की तरफ लिखते हैं तब लगता है युधिष्ठिर वाकई बहुत बड़े थे। द्रौपदी पे आते हैं तो द्रौपदी अचानक एक सुपर हीरोइन हो जाती है, महानायिका हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हमारा विजन जो है वो हमारी राइटर्स किचन से डेवलप होता है। जितनी दुनिया वेदव्यास ने देखी उससे ये पता चलता है कि वेदव्यास काल के परे जाकर देखते थे पूर्वजन्म की क्या कथा थी, उसे पूर्वजन्म की क्या कथा थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वेदव्यास भी उसी कलेक्टिव मेमोरी की बात करते हैं जिसे मैं संचित स्मृति कहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, किताबें, फिल्में, कुछ अच्छी पेंटिंग, संगीत, कुछ अच्छे लेक्चर जो मैं सुनता हूँ, कुछ बुद्धिजीवियों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर मेरी राइटर्स किचन को बनाते हैं। आज के साहित्यकारों की किचन की बात करें, खासतौर पर हिंदी साहित्य को जी की बात करें, तो क्या लगता है आपको उनका किचन कितना मजबूत है या कितना मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है? चांसर, अगेन मुझे जजमेंटल होना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हिंदी के अधिकांश लेखकों की दो समस्या है। एक तो ये कि वो आत्ममुग्धता से ग्रसित हैं, उनको ये लगता है कि उनको सब कुछ आता है और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो भी लिख लेंगे वो पाठक तक पहुँचेगा और पाठक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो आलोचक आलोचना करेंगे उसको वो खारिज कर देंगे। जबकि मुझे ये लगता है अपने तई कि चूँकि हिंदी में कविताएं मैं लिखता हूँ, हिंदी साहित्य के बहुत सारे साहित्यकारों से मेरी मुठभेड़ होती रहती, इंटरेक्शन होता है, मुझे ये लगता है कि हिंदी का लेखक बहुत कम जानकारी वाला लेखक है। उसको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, साइंस के बारे में बहुत कम जानता है, एनवायरनमेंट को लेकर उसकी चिंताएं बहुत थोड़ी होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, कई तरह के भाषाई और मजहबी झगड़े चल रहे हैं, कई तरह की कौमें बहुत अलग स्थितियों में रह रही है, कई तरह की जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ हैं, कई तरह के असंतुलन दुनिया में चल रहे हैं, चाहे वो लिंग के हों, चाहे वो जाति के हों, चाहे वो रेस के हों, चाहे वो नस्ल के हों, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है उन सब को लेकर हिंदी के लेखक के पास में बहुत कम ज्ञान है। और इसका दूसरा पहलू जो मुझे लग रहा है कि हिंदी का लेखक वो दूसरे विषयों की किताबें कम पढ़ रहा है। मतलब आमतौर पर ये मान लिया गया कि मैं लेखक हूँ तो मैं केवल साहित्य पढ़ूँगा,
जबकि होना ये चाहिए कि मुझे साहित्य के अलावा फिजिकल पॉलिसी भी पता होनी चाहिए, डेटा टेक्नोलॉजी किधर जा रही है वो भी पता होना चाहिए, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी किस तरह से दुनिया में नक्शे बने और नक्शों ने दुनिया में क्या क्रांति की वो भी पता होनी चाहिए, ह्यूमन इवोल्यूशन भी मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह से आदमी ने जब, क्योंकि आदमी भी पहले चार पाँवों से चलता था, लेकिन जिस दिन आदमी ने अपने आगे के दो पाँवों का इस्तेमाल हाथ के तौर पर करना शुरू किया उस दिन से दुनिया बदल गई। तो मनुष्य की जो प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य का जो विकास हुआ, सिविलाइजेशन को भी पढ़ना चाहिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको पढ़े बिना मुझे ये लगता है कि एक लेखक जो है वो बहुत विकसित नहीं हो सकता। तो हिंदी के लेखकों की त्रासदी कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए, लिमिटेसी कह लीजिए कि वो साहित्येतर विषयों पर कम पढ़ते हैं, और जब आप कम पढ़ते हैं तो आपका विजन साफ नहीं होता है और आपकी स्थिति उन चार लोगों की तरह होती है जो अंधे होते हैं और हाथी को छूकर अपने अपने तरीकों से बताते हैं, कोई रस्सी बताता है, कोई खंभा बताता है। अब समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद विनोद से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हमारे मेहमान हैं साहित्यकार विनोद विट्ठल। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस बातचीत की ओर। इन दिनों आप खुद क्या पढ़ रहे हैं दुनिया, और ये कहें कि दुनिया भर में क्या पढ़ा जा रहा है? जी देखिए, मुझे इस वक्त जो मेरी पसंद के लेखक हैं और जिनका जिक्र मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जरूर करना चाहूँगा वो है युवाल नोह हरारी। ये हिब्रू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और फ्यूचरोलॉजी पर काम करते हैं। होमोडियस इनकी किताब आई, सीपियंस इनकी किताब आई, 21st सेंचुरीज के इनके लेसन्स आए हैं, 7 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, और उसके अलावा नुवाल जो है वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और भाषण देते हैं, और वो भाषण देते हैं भविष्य को। आप देखिए कितनी रोचक बात है कि हिस्ट्री का अध्यापक वो इतिहास से सबक लेते लेते आपको आपके भविष्य से मिलाता है और ये बताता है कि किस तरह से डेटा रिवोल्यूशन दुनिया में आ रही है, किस तरह से एक ज़माने में वो आदमी सबसे ज़्यादा ताकतवर था जिसके भुजाओं में ताकत है, फिर वो आदमी हो गया जिसके पास ज़्यादा जानवर है, फिर वो हो गया जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, फिर वो आदमी हो गया जिसके पास ज़्यादा मशीनें हैं, लेकिन अब दुनिया में सबसे बड़े रईस वो होंगे जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा। ये हमको नुवाल बताते हैं किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में आ रही है, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन लोकल के तौर पर एक ऐसे टूल का इस्तेमाल कर रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक में तमाम भारतीय भाषाएं आ जाएगी, तमाम बोलियां आ गई, लेकिन ये एक बहुत बड़े टूल के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। यानी लोकेल जो है उसका इस्तेमाल ग्लोबलाइजेशन किस तरह से कर रहा है, यानी दुनिया के जो भावी संकट है किस तरह से एक ड्राइवरलेस कार आने वाले कुछ सालों में आ जाएगी, और जिस दिन वो कार आएगी तो पहले ही दुनिया भर में करीबन 5 करोड़ ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। एक ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, मनुष्य का विस्थापन कितनी तेजी से हो रहा है, कितने तरीकों से हो रहा है, उन सब पे वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी के हर लेखक को युवाल नोह हरारी को पढ़ना चाहिए और ऐसे दूसरे लेखकों को पढ़ना चाहिए जो आने वाले दौर की आहट को सुन पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, मार्केट और सिविलाइजेशन, इन पाँचों पांडवों को एक साथ देख पाते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा जाना चाहिए। जी अपने कविताओं के अलावा बाकी जो चार किताबें हैं जी, पत्रकारिता पे भी हैं और अपने व्यंग और नाटक जी, बाकी लेखन आपका किस तरह करा उस पर थोड़ी रोशनी डाले? देखिए तीन किताबें तो मेरी शुद्ध रूप से कहें तो हवनवीसी पे रही, और उसमें जो किताब अंग्रेजी की थी कॉन्सिक्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं उनके जो MPLED फंड होते हैं उनकी एक जर्नलिस्टिक ऑडिट थी, वो भी हिंदुस्तान में अपने तरह से एक पहला काम था कि एक पत्रकारी अंकेक्षण किसी सांसद के खर्चों का किसी ने किया, वो थी। उसके अलावा मैं कहानियाँ लिखता हूँ और कहानी गद्य लेखन जो है वो भी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि पत्रकारिता छोड़ के जब मैं साहित्य आया हूँ तो मुझे लगता है कि कविता के अलावा जब थोड़ी आज़ादी की जरूरत होती है तो मैं कहानी की तरफ चला जाता हूँ, और व्यंग्य और नाटक भी मैं समय समय पर लिखता रहता हूँ। आप अभी कॉरपोरेट सेक्टर में सेवाएं दे रहे हैं, साथ के साथ कवि की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, दोनों अलग अलग फील्ड है,
दोनों में किस तरह का सामंजस्य रहता है और क्या लगता है आपको कि वो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के सपोर्टिंग है, वहाँ से आप सब्जेक्ट उठाते हैं या कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है? चंद भाई, दरअसल एक टर्म यूज होती है वर्क एंड लाइफ बैलेंस। तो जिंदगी और काम का बैलेंस बिठाने की जरूरत होती है। कॉरपोरेट जो है वो मेरी पेट की जरूरत है और कविता जो है वो मेरी आत्मा की जरूरत है, तो दोनों जरूरतें हैं, उसके लिए दौड़ना पड़ता है। पेट आत्मा में सामंजस्य कैसे? मुझे लगता है कि दोनों जरूरत है और दोनों को मैं इक्वल टाइम देता हूँ क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। आज के जो लेखक है, खासतौर पे वही हिंदी लेखकों की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जिसकी तरफ आप फिर से ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस बात का तो खासतौर पे ध्यान रखा ही जाना चाहिए लेखन में? मुझे ही लगता है कि जो हमारे दौर के जितने भी गैजेट्स, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, उनको डिकोड करने की जरूरत है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो मार्केट की का जो करैक्टर है, जो बाजार का चरित्र है, उसको डिकोड करने की जरूरत है। मुझे लगता है एक लेखक के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी यही है कि किस तरह से बाजार जो है ये मनुष्य को नए तरह का विस्थापन दे रहा है। और बल्कि मुझे तो ये लगता है कि विभाजन, देशों के बनने टूटने, क्रांतियां, विश्व युद्ध, इन सबको छोड़ दो, सबसे बड़ा ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन जो है वो बाजार देगा और उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। रोजी वक्त का तकाजा है कि हमें आपकी बातचीत यही रोकनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो आए और साहित्य और अपने लेखन पे आपने रोशनी डाली। फिर से एक बार मैं बधाई देना चाहूंगा आपको उस कविता के लिए जो राजस्थान पत्रिका ने सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत आपको पहली कविता के रूप में उसको चुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका पत्रिका का भी आभार। तो ये थे आज पत्रिका मंच में हमारे साथ विनोद विठल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।